ओम साई राम, नमस्कार। मैं हूँ साई पूजा। साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का दिल से स्वागत, अभिनंदन। बाबा की इस पवित्र नगरी में, बाबा की इस पवित्र नगरी में हम बाबा के गुणगान का बखान करने जा रहे हैं। और हम साई भक्त, जितने भी साई भक्त हैं, बाबा की जब लीलाएं सुनते हैं तो आधे जितने भी हमने पाप किए होते हैं वो भी पवित्र हम हो जाते हैं बाबा की केवल गुणगान सुनने से। तो कहते हैं कि बाबा जिसके जीवन में जाते हैं उसका जीवन रोशन हो जाता है। तो कैसे बाबा जितना अपने बच्चों का जीवन को रोशन करते हैं, आइए जानते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशिका पांडे है और मैं गाजियाबाद से हूँ। ईशिका पांडे, बहुत प्यारा सा नाम है आपका। वैसे आप बहुत क्यूट भी हो। थैंक यू सो मच दी। बस छोटी सी उम्र है, क्या एज है आपकी? मेरी एज अभी 22 है। 22? हाँ। अभी तो तुम बिल्कुल बच्चा हो छोटे से। तो ये जो छोटा सा बच्चे में इतनी ज़्यादा भाव बाबा को लेकर, ये कैसे? मुझे पूरे दास्तान शुरुआत से बताना। एक्चुअली दी, ऐसा है कि जब से मैं बचपन से होश संभाला, ये तो मैंने देखा है कि हमारे घर में मतलब साईं बाबा कोई हैं जिन्हें हम मानते हैं। मतलब एक होता है ना अपनी स्पेशल गुरु जिन्हें बहुत मानते हैं। बाबा की पूजा बचपन से घर में देखी, बट एक वो अटैचमेंट नहीं था मेरा। पिछले साल ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई लाइफ में, मैं मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल सी रहती थी हर वक्त। तब मैंने यूट्यूब पे आपका चैनल देखा, वीडियोस देखनी शुरू करी। तो चरित्र में वर्णन है ना कि जैसे बाबा चिड़िया के पैर में डाल के खींचते हैं, वही सेम मेरे साथ हुआ। आपकी वीडियोस देख देख के मैं बाबा की तरफ इतनी प्रेरित हुई, इतनी झुकी उनकी तरफ कि हर वक्त वही देखना, चरित्र पढ़ना, ये सब करना। वो घर में भी सब बोलते थे ये तो भक्तन हो गई है, ये तो पागल हो गई है, पूजा करती रहती है। मैंने कहा मैं क्या करूं, जब मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है बाबा अपनी तरफ खींच रहे हैं। कम लोगों में बेटा ऐसा, ये शब्दों से मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम मुझे कैसा फील होता था। मैंने कहा कोई नहीं, मेरे आंसू गिर जाते थे एकदम बाबा के आगे कि बाबा बताओ मैं आपको पूछ रही हूँ, ये भी कोई गलत बात है? इसमें भी दुनिया मुझे कोस रही है। तब से लेके आज का दिन है, जो मुझे बोलते थे आज खुद चरित्र का पारायण करते हैं बैठ के, बाबा का गुणगान करते। कहते अच्छा शिरडी जा रही हो, मेरे नाम को भी प्रसाद चढ़ा देना। वो बाबा को मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, बाबा उनको खुद जवाब दे देते हैं। जो भी मेरे पे उंगली उठाते हैं या जो भी होता है ना पोक करते हैं इंसान को, बाबा अपनी तरफ से सब कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा मन बहुत उचटता था। मैंने कहा अब क्या करूँ, शिरडी जाना है। घर में मैंने बोला पापा मम्मी से कि शिरडी चलो शिरडी। पापा को ऑफिस से छुट्टी नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया। फिर हमारे एक पापा के दोस्त हैं, बहुत अच्छे हमारे टर्म्स रिलेशन है उनकी फैमिली से। तो मैंने अंकल आंटी से पूछा आप लोग अंकल आंटी शिरडी चलोगे? उनके साथ भी प्लान नहीं बन पाया। फिर मैंने बस ऐसी पूजा करते करते बाबा के सामने कह दिया बाबा बहुत मन है शिरडी आने का, बुला लो। पता नहीं क्या जादू हुआ, अचानक पापा मान गए एक झटके में ही, छुट्टी भी मिल गई। मैंने कहा ये बाबा के मेरे से कुछ कम नहीं है, उन्हें बुलाना है इसीलिए। फिर शिरडी आए, उससे एक दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, इतना पेट में दर्द। 4-5 घंटे में इतनी छटपट आई पेट में, इतना दर्द, सारी दवाई, डॉक्टर को फ़ोन किया, दवाई कोई असर नहीं, कुछ नहीं। फिर मम्मी ने मुझे बाबा की उदी दी जल में घोल के, उसे पीने के आधे घंटे बाद मैं बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ ही ना हो मुझे। ये सिलसिला, ये जो बाबा से जुड़ाव हुआ, ये आपको कितने वर्ष हो गए? ये तो दी अटैचमेंट तो मेरी पिछले साल से ही बाबा से ज़्यादा हुई है, जैसे कि 2023। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद से तो रेगुलर बाबा का स्नान, उनका भोग सारा मैं अपनी जितनी मुझसे बन पड़ती है मैं सेवा रोज़ करती हूँ बाबा की। मैं मतलब उन्हें इस तरह से मानती हूँ कि वो हमारे घर के फैमिली मेम्बर हैं, कि अगर हम खा रहे हैं बाबा को भी तो ठंडा पानी चाहिए, हम ठंडा पीते हैं तो उन्हें गर्मी नहीं लगती क्या, उन्हें प्यास नहीं लगती क्या? उनका जितना बन पड़ता है मैं अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखती हूँ। फिर मेरे साथ क्या होता है, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखती रहती हूँ, बाबा के बहुत सारे चैनल्स फॉलो किए हैं मैंने, तो बाबा मुझे उन मैसेज देते हैं पोस्ट के थ्रू। शिरडी आने वाले थे तो उसमें पोस्ट चल रहा था कि बेटा तुम आओगे तब तो मैं तुम्हें पीले वस्त्रों में दर्शन दूंगा और द्वारका माई में भी तुम्हें बैठने का टाइम मिलेगा और मैं तुमसे वहाँ भिक्षा मांगने खुद आऊँगा। तो मैं सोचती थी कि ये तो लाखों लोग देखते हैं, स्पेशली कौन सा मेरे लिए होगा, हज़ारों लोग देखते हैं पोस्ट। तो मैं आई आई, फिर हम दोपहर के वक्त लाइन में लगे। पहले दिन जब आए तो मैंने देखा बाबा ने ब्लू कलर की ड्रेस पहने हुए, उनका बाबा आप तो बोल रहे थे पीले वस्त्र में दर्शन दोगे, ये आपने ऐसे क्यों बोला? फिर तो उसी टाइम दोपहर की आरती का टाइम हो गया था, दर्शन रुक गए, बाबा के वस्त्र चेंज हुए। देखती हूँ कि बाबा ने पीले वस्त्र पहने, मुझे दर्शन देने से पहले, साक्षात दर्शन देने से पहले बाबा ने पीले वस्त्र धारण किए। जो जो उन्होंने पोस्ट में लिखा था सब सब एज इट इज़ मेरे साथ हुआ है, जो मैं शब्दों में नहीं बयां कर पा रही हूँ या पता नहीं क्या है जो भी है, पर जो मैं फ़ील कर रही हूँ ना वो मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या फील बाबा से, जो मेरा कनेक्शन है। फिर बाबा ने कहा था मुझसे कि मैं तुमसे दक्षिणा लूँगा द्वारका माई के बाहर। मैं द्वारका माई के बाहर देख रही थी कि बाबा किस रूप में आएंगी, कैसे आएंगी। तो मैंने देखा एक बहुत बुज़ुर्ग अम्मा थी,
वो उन्होंने मेरे सामने हाथ फैलाया, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं फ़ोन देख रही थी, फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि बाबा ने कहा था कि वो आएंगे मुझसे दक्षिणा लेने। मैं दौड़ के उन अम्मा जी के पास गई, मैंने उनके पैर छुए, उन्हें दक्षिणा दी और उन्होंने मेरे हाथ फेरा, सर पे आशीर्वाद दिया। फिर मैंने कहा बाबा आप मन की बात इतनी पढ़ लेते हो, आप जो बोलते हो वो करते हो। कहा था बाबा ने तुम्हें इस ट्रिप पे सारे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और तुम्हारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो भक्ति का प्रचार करेंगे। और वाकई में हमें पिछले ट्रिप पे ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने राम नाम का बहुत प्रचार किया, हमें पैम्पलेट्स दिए, वो एक सत्संग से जुड़े हुए लोग थे। जो जो बाबा ने कहा वो सब उन्होंने, मतलब मेरे साथ जो वो इंट्यूशन देते हैं वो सब होता है मेरे साथ। ऐसी एक बार बात है, मैं दोपहर के टाइम सो रही थी तो एकदम ऐसा लगा जैसे मेरे कान के पास से कोई हवा का झोंका गया एकदम से, और किसी ने कान में कुछ बोला जैसे बेटा उठो इस करके। मैं एकदम से उठ के देखे, मैंने कहा कुछ भी नहीं है। फिर मेरे ध्यान एकदम से बाबा के फ़ोटो पे गई, मैंने कहा ये बाबा ही थे जो आए थे। बाबा बहुत इंट्यूशंस देते हैं मुझे। वहाँ शिरडी से गए वापस, फिर तब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। मैं बहुत कंफ्यूज थी आगे क्या करूं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, कुछ अच्छा करना है कुछ। तो मैं लिस्ट चेक कर रही थी ऑनलाइन कि चलो प्लान बना एमबीए का, तो मैं वहाँ की जो टॉप 10 कॉलेजेस है गाज़ियाबाद के, तो उसमें एक एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो गाज़ियाबाद का टॉप 10 है और उसकी यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा, मैं सबके फ़ीस चेक कर रही थी ऑनलाइन कि क्या है क्या नहीं, तो उस कॉलेज का नाम देख के मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा ये तो इतना हाई फाई कॉलेज है, इसकी फ़ीस तो अफोर्डेबल नहीं होगी। फिर मम्मी ने कहा नहीं बेटा एक बार खोल के तो देखो, क्या पता हो। दीदी मैं टचवुड कह रही हूँ बाबा की धरती पे, जैसे ही मैंने खोल के देखा उसकी फ़ीस बजट के अंदर थी। यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेज में से एडमिशन लेना दी बिल्कुल आसान बात नहीं है, वहाँ पर इंटरव्यू, जीडी, एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस बहुत कुछ होता है, सब बाबा कराते चले गए। और करेंटली आई एम परस्यूइंग एमबीए इन आईटी एंड फाइनेंस फ्रॉम एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेज में से एक है। क्या बात, बाबा का मिरेकल। क्या बात है, लोगों को क्या संदेश देना चाहोगी? मैं यही देना चाहूँगी कि लोग आपको बहुत कहेंगे कि अरे ये तो भक्ति करते हैं, ये करते हैं। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, चाहे बच्चे क्यों, आपके मन में अगर वो बात आ रही है ना, वो अपने आप नहीं आ रही, वो बाबा डाल रहे हैं आपके मन में बात। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि कोई आपको बोल रहा है, समझ जाओ आप तरक्की कर रहे हो, क्योंकि पेड़ उसी पेड़ पे पत्थर मारे जाते हैं जिसपे फल होता है। जिनके पास फल नहीं होते ना, वो दूसरों को ही पत्थर मार सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ एक एक्सपीरियंस और है दी मेरा। मेरे पापा के साइड के एक रिलेटिव हैं, वो गांव से बिलोंग करते हैं, वो आए थे हमारे यहाँ। तो अब दी देखो, जैसे हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जैसा देश वैसा भेष, इतने अच्छे कॉलेज में जा रही, थोड़ा सा तो मेंटेन रखता है इंसान अपने आप को। जैसे मैं जीन्स वगैरह टॉप पहनती हूँ, तो वो आए थे भैया हमारे घर और मैं कॉलेज गई हुई थी, मुझे तो पता नहीं। तो मेरे पीछे से वो मम्मी पापा को बोल के गए कि आपकी बेटी तो बहुत एडवांस है, आपकी बेटी तो बहुत ये है वो है। मुझे पता नहीं, मैं कॉलेज से आई तो मम्मी ने बताया, मेरे को इतना रोना आया दी, सच में मेरे तो आंसू आ गए। बाबा के सामने मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस बाबा के सामने मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा मेरे घर में कोई मुझे ऐसे बोल के जा रहा है, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप सब जानते हो मैं किस किस को एक्सप्लेन करूँ, दुनिया में सबका मुँह बंद नहीं कर सकते। आप यकीन नहीं करोगे दी, गिनती के बस 15 दिन हुए थे, खबर आती है कि जो लड़का मुझे मेरे घर में बोल के गया था ना, उसकी खुद की बहन घर छोड़ के चली गई। बाबा ने तमाचा मारा उसके मुंह पे कि तुम दूसरों की बहन बेटी को बोल रहे हो, पहले अपने घर में झांको। सही बात है, मुझे बिल्कुल, पहले अपने कहते हैं गिरेबान में झांको फिर किसी से कुछ कहो। किसी लड़की पे, किसी माँ पर उंगली उठाना बहुत गलत बात है। मैं कहती हूँ कोई माँ अपनी बच्ची को कैसे पाल रहे है, कोई माँ बाप अपने बच्चों को कैसे दे रहे हैं। कोई भी कभी कुछ परिस्थितियाँ होती है कि बाप नहीं होता या माँ कम पढ़ी लिखी होती है, कुछ ऐसे चीज़ें करनी पड़ती है जो कि नहीं करनी चाहिए। मगर बच्चों का पेट पालने के लिए माँ सब करती है, मगर उस माँ के नाम को हम हमेशा नमस्कार करते हैं, जो माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती हैं। माँ का शब्द बहुत बड़ा होता है, और मैं यही कहती हूँ जिसने माँ बाप की इज्जत नहीं करी उसको कभी सफलता मिल नहीं सकती। जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, जो भी साईं भक्त देख रहे हैं, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं कर सकता, आप सोच लो कि आपको सफलता मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। अगर भूले भटके मिल भी जाएगी तो आपका जो अंत समय है, जो आगे का समय है, बहुत बुरा जाएगा। तो जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं, जो बच्चों का दिल दुखाते हैं, ये याद रखो कभी सुखी नहीं रहते। तो मैं यही कहूँगी कि बाबा हमेशा हमारे लिए करते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, खरा सोना बनाते हैं और हम निखर के आते हैं।
और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम साई भक्त हैं। सच में दी, मैं उनके दर्शन भी करने गई थी ना, मेरे अंदर अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे मैं, बाबा ने मुझसे इस बार भी कहा था आने से पहले कि बेटा तुम जल्दी आओ, मैं शिरडी की सीमाओं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही मैं अंदर गई ऐसा लग रहा था अंदर से आवाज़ आ रही, बाबा प्रश्न कर रहे थे आ गई बेटा तुम, और मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी हाँ बाबा मैं आ गई, आप ही तो बुला रहे थे मुझे, कह रहे थे शिरडी की सीमाओं पर वेट कर रहा हूँ, लो मैं आ गई। ऐसे ऐसे सवाल जवाब अंदर अंदर वार्तालाप चल रहा था बाबा से, मन ही मन मैं बस बता नहीं सकती शब्दों में वो बिल्कुल। बहुत छोटी उम्र की बच्ची है 22 साल की, भाव देखिए, नमन करती हूँ क्योंकि ये जो भाव होते हैं ये माँ बाप के संस्कारों से आते हैं, और मैं माँ बाप के इनको भी मैं प्रणाम करूँगी, कितनी अच्छी बेटी पाई है। हर एक को बच्चे अच्छे नसीब नहीं होते, और जिस वक्त जो कैमरा पकड़ के बैठी है वो लड़की भी बहुत प्यारी है, दोनों बहनें अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत सेंसियर हैं। तो जब आप अपने घर में बच्चों को संस्कार देंगे, आप अच्छा बोएंगे तो अच्छा मिलेगा, आप कांटे बोएंगे तो कांटे मिलेंगे, अगर आप फूल बोएंगे तो आपको फूल मिलेगा, कैक्टस बो तो कैक्टस ही निकलेगा ना। सच, बिल्कुल सही बात है दी, बिल्कुल। तो बस अच्छा बो अच्छा मिलेगा। एक्सपीरियंस कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ज़रूर ज़रूर अच्छा अच्छा हमारी ईशिका पांडे के लिए लिखिए और ज़्यादा शेयर करें। जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं। ओम साई राम, जय साई राम।